राजगढ़ जिले के ब्यावरा के आदर्श कॉलोनी में देर रात अज्ञात बदमाशों ने आदर्श कॉलोनी निवासी व पवन ब्रेड फैक्ट्री के मालिक छोटे लाल कुशवाहा की उनके ही घर में 5 किलो के बाट से मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मंगलवार दोपहर को मृतक के बड़े बेटे के घर पर जाने के बाद लगी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और देर शाम तक पुलिस आरोपियों की तलाश में जानकारी जुटाती रही, लेकिन आरोपियों के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं लग पाई। 12 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक पवन ने सूचना दी कि उसके पापा छोटे लाल कुशवाहा आदर्श कॉलोनी में बिस्तर पर मृत पड़े हुए हैं। सूचना पर पुलिस गई, जाके देखा तो छोटे लाल कुशवाहा उम्र 50 साल, आदर्श कॉलोनी में अपने घर में सोई हुई हालत में पड़े हुए थे। उनके सिर पर चोट लगी हुई थी, खून बह के जमा हुए थे और पास उनके सिर के पास में एक 5 किलो का लोहे का बाट तराजू बाट रहता है और पड़ा हुआ था। प्रथम दृष्टया ये जानकारी मिली कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके सिर में लोहे का बाट मारकर हत्या की। जांच में क्या निकला सर? अभी जांच चल रही है, मृतक की पत्नी का 2014 में स्वर्गवास हो गया था और वो अकेला रहता था। उसके दोनों बच्चे पवन और नितेश, ये दोनों काशी मोहल्ले में रहते थे और इनका ब्रेड और टोस्ट का बिजनेस था। अभी 6 महीने पहले इन्हें बंद करके नमकीन का बिजनेस चालू करना था। लड़के के साथ में उसको बाहर जाना था सामान खरीदने। 12 बजे करीब उसने लड़के ने फ़ोन लगाया पवन ने, तो उसके पिता ने फ़ोन नहीं उठाया। तब तो उसने घर पर जाकर देखा तो चैनल गेट का ताला लगा हुआ था और पीछे जाकर देखा तो उसके दूसरे दरवाजे की बाहर से साकल लगी हुई थी। खोल के अंदर जाकर देखा तो पिता मृत हुए पड़े हुए थे। जाँच चल रही है और जल्दी से जल्दी उसका खुलासा किया जाएगा। INC इंडिया न्यूज़ के लिए राजगढ़ से विजय कुमार सोनी की रिपोर्ट।